वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट इंजीनियरिंग। टुडेज टॉपिक इन्वोल्यूट। इन्वोल्यूट, द इन्वोल्यूट इज ए कर्व ट्रेस्ड आउट बाय एन एंड ऑफ द थ्रेड अनवर्ड फ्रॉम ए सर्कल और पॉलीगन, इट बीइंग केप्ट टाइटली। दैट मीन सपोज दिस इज ट्रायंगुलर शेप, इसमें एक थ्रेड टाइटली रखा हुआ है, तो वो थ्रेड को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें एक कर्व पाथ डेवलप होगा। दिस पाथ कॉल्ड इन्वोल्यूट कर्व। हमने दिखाया द एंड ऑफ द थ्रेड अनवर्ड फ्रॉम ए सर्कल और पॉलीगन। यहाँ हमारा पॉलीगन क्या था? यह हमारा पॉलीगन था ट्रायंगुलर शेप का पॉलीगन। तो यहाँ से थ्रेड को ओपन किया, उसका जो ट्रेसिंग पाथ है दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूट। तो हम जब ड्रॉ करेंगे कैसे करेंगे? दैट दिस इज द शेप ऑफ द पॉलीगन जो हमारा हाथ में था, ट्रायंगल है तो उसमें हमारा थ्रेड लगा हुआ है। तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले क्या करेंगे, ये इसका जो मेजरमेंट है, एक एक साइड का मेजरमेंट हम यहाँ कर लेंगे। पहले सपोज जीरो से वन, तो जीरो से वन डैश दे के हमने यहाँ कर लिया। वन से टू, तो वन से टू वही मेजरमेंट है जो टू डैश दे दिया। टू से थ्री, हमने टू से थ्री थ्री डैश दिया। पहले इसको, इस मेजरमेंट को यहाँ हम ड्रॉ करेंगे, काट लेंगे एक लाइन से। उसके बाद क्या करेंगे, तो पहले जीरो से वन रेडियस लेकर कर वन में बैठा कर जीरो से वन तक ये रेडियस आएगा। वन का जो लाइन एक्सटेंड किया हमने उस लाइन तक आएगा। सेकंड क्या है, जीरो टू टू ये जो डिस्टेंस है ये लेकर टू में बैठाएंगे तो यहाँ से रेडियस लेकर टू तक जाएगा। यहाँ कंपास बैठाएंगे तो इसका रेडियस होगा आर इक्वल टू क्या होगा, जीरो टू टू, जीरो टू टू डैश, ऐसा करके यहाँ तक जाएगा, टू का लाइन तक जाएगा। ये टू का एक्सटेंडेड लाइन है, ये टू का हमारा एक्सटेंडेड लाइन है। इसके बाद यहाँ लेंगे जीरो टू थ्री, जीरो टू थ्री यहाँ बैठाएंगे, ये रेडियस होगा आर इक्वल टू जीरो टू थ्री डैश। यहाँ बैठा कर वहाँ से लाइन खींचकर थ्री तक आएगा। ये जो सर्कुलर पाथ है दैट इज कॉल्ड इन्वोल्यूट कर्व। इसी तरह स्क्वायर का भी हम इन्वोल्यूट जब ड्रा करेंगे सेम ही होगा। वन से बैठा कर जीरो टू वन रेडियस लेकर जीरो से हम वन आएंगे, वन का लाइन के ऊपर आएंगे, उसको मार्क को पी वन देंगे। उसके बाद जीरो टू टू रेडियस लेकर टू में बैठा कर आर इक्वल टू जीरो टू टू डैश, वन से टू तक तो आएगा, उसको हम पी टू मार्क किए। इसी तरह थ्री से जाएगा, फोर से भी जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का फोर साइड है। इसी तरह और यूज दिस प्रोसीड्योर हम लोग एनी टाइप ऑफ पॉलीगन जैसा पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, सभी का इन्वोल्यूट कर्व हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। सपोज ये सर्कुलर पाथ था, सर्कुलर पॉली सर्कल था, इसके अंदर जो टाइट करके थ्रेड था, तो उसको ओपन करने के बाद कैसे कैसे हम लोग ओपन पाथ को डेवलप करेंगे? तो पहले क्या है, सर्कल को हम 12 इक्वल डिवीजन करना है। जैसा यहाँ जीरो से स्टार्ट हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स करके अब तक अप टू 12 डिवीजन कर लिए। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन या टेंजेंट लाइन यहाँ से 12 से खींचा, तो उस लाइन के ऊपर हम जीरो से वन, जीरो से वन जो ये जो डिस्टेंस है इसको कंपास से उठाकर इस लाइन के ऊपर काटना है। जैसा वन वन डैश इक्वल डिवीजन, इसीलिए एक ही डिवीज़न को हम 12 डिवाइड कर सकते हैं। तो जीरो टू वन लिया आया, उसके बाद वन डैश लिए, टू डैश थ्री डैश फोर डैश, ऐसा करते करते इक्वल 12 ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन काट लिए। उसके बाद क्या करना है, एक कंपास में बैठा कर वन में बैठा कर पहले जीरो टू वन रेडियस ले लेंगे, इस छोटा रेडियस ले लेंगे, इस रेडियस को हम वन में बैठाएंगे, वन तक लिए इसलिए वन में बैठा कर जीरो टू वन पहले ऐसा आएगा कंपास से। उसके बाद एक कंपास से आएगा, उसके बाद जीरो टू टू जाएंगे। जैसा पहले हमने बताए ट्रायंगुलर शेप का टेस्ट आउट किए जब से, सेम टाइप का है। जीरो टू टू लेंगे तो टू में बैठा कर टू तक आएगा ये कर्व। अभी जीरो टू थ्री लेंगे तो थ्री में बैठा कर टू से थ्री तक आएगा। हमको याद रखना है कि यहाँ से कितना लिए तो उसमें बैठाना है। जीरो टू फोर दैट मीन फोर में बैठा कर थ्री से फोर आएगा।
ऐसे करते करते पूरा कर्व हमारा कंपास में ड्रॉ हो जाएगा। यहाँ एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है, सर्कल का जो 12 डिवीज़न है वही डिवीज़न पॉइंट से जो लाइन हम लोग ड्रॉ किए उस लाइन सर्कल का उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन है। हमने वन से जो कार्व ड्रॉ किए सर्कल से उसको पी वन मार्क किया, जीरो टू टू लेकर टू में बैठा कर जो किया वो पी टू, थ्री से जो किए पी थ्री, जैसा पॉइंट में काटेगा उस पॉइंट को हम मार्क किए हैं 6 7 8 9 10 11 12 तक। सर्कल का इन्वॉल्यूट कार्व ड्रॉ करने के बाद कभी कभी हम लोगों को इस कार्व के ऊपर पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तब क्या करना है, पहले उसी इन्वॉल्यूट कार्व के ऊपर एक पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज यहाँ एन दिए गए हैं तो एन को पैसे मार्क करना है, एन से सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है जो टच करेगा सर्कल को। इसी के बाद उसी लाइन को बेस करके सेट स्क्वायर या ड्राफ्टर से उस पॉइंट के ऊपर एक 90 डिग्री लाइन ड्रॉ करना है जो यहाँ एस टी मार्किंग किया गया है और पर्टिकुलर पॉइंट एन है, दिस इज द टेंजेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई डाउट हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।